ऐसा कहते हैं सजनों, अपनी अपनी धारणाएं हो जाती हैं। महाराज ब्राह्मणा ने भी न्यू बनिया इन्यू मान लिया जनो परशुराम महाराज सजनो महाराज कोठे में जामिया था इतनी कड़ी कोली गाल ली है। अरोरा ने भी न्यू सोच रही जनो यो इन नका से नहीं। जैसे भगवान रामचंद्र जी कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के अंश अवतार हुए हैं, ऐसे ही लेख के अनुसार भगवान परशुराम भी विष्णु भगवान के छठे अवतार हुए हैं। और सही पूछो तो पहला पूर्ण अवतार, पहला अवतार था मत्स्य का, दूसरा था कच्छ का, तीसरा अवतार था वराह का, चौथा अवतार था नरसिंह का, पांचवा अवतार था वामन का और छठा अवतार था परशुराम का। ये क्रम है इसका। और ऐसा तो लेख कहता है जब जब धरा पर पाप पड़ता है तो विष्णु भगवान अवतार धारते हैं। बोल विष्णु भगवान की। त्रेता युग की कथा है। इस धरती पे बड़ा सुंदर समय चला हुआ था, बड़ा दिव्य समय चला हुआ था, ऋषि मुनियों का बड़ा बोलबाला था और सारा समाज ऋषि मुनियों की बड़ी इज्जत किया करता था, ऋषि मुनियों के बताए मार्ग पर सारा समाज चला करता था और शिक्षा का बड़ा जोर था। न्यू नहीं मानस आज से लेख बताता है सारे समाज में शिक्षा का बड़ा जोर था और ऋषियों के जो गुरुकुल थे उनमें कई कई हजारों की संख्या में स्टूडेंट विद्यार्थी पढ़िया करते थे। बड़ा बोलबाला था, सब जनता ऋषियों को मानती थी। तो ऋषि लोग राजाओं को भी अपनी बुद्धि से युक्तियां दिया करते, उपाय दिया करते, समझा करते थे। पर धीरे धीरे कुछ राजा लोग उनके बताए हुए सुझावों को आदेश मानने लगे, किसी की सुवाण खत्म हो जाए उसका बोल सुवाना बंद हो जाए। वे राजा ने बोले रे ऋषि ना के ट्रेक करे भी कम भी करा हो सबने कहा न्यू नहीं करोगे, न्यू नहीं करोगे, न्यू करोगे। और बोले सारी परजाई बाप्यान मन है उनमें खटास पैदा हो गया। एक रोज का जिक्र है, सेंसरा बाहू शिकार के लिए चलता है, जमदग्नि ऋषि का आश्रम है। आश्रम में घुसन ला गया तो कहते हैं ऋषि पुत्र ने उसको रोक लिया। निबला भाई रुको कौन हो? निबला भाई राजा सेंसरा बाहू। कड़े जागा निबला भाई मैंने सुना कि यहां आश्रम में बड़े अच्छे मृग हैं, इसके पीछे जो जंगल पड़ता है यहां वहां जाकर मैं शिकार करूंगा। निबला भाई विद्यार्थियों की पढ़ाई चली हुई है, आप आश्रम में नहीं घुस सकते हो। वहां कहते हैं उसने उस ऋषि पुत्र पर हाथ उठाया है, आड़े तक कहानी शुरू हुई है। जिसकी शिकायत सप्तऋषि मंडल में ऋषि जमदग्नि ने की है और सप्तऋषियों ने उसको बुला लिया सेंसरा बाहू को। अरे हो बोले भाई तेरा काम सही नहीं है। बात यह है कह सुन के राजा धोरे उस ऋषि पुत्र से माफी मंगवा दी। घर नाते उसने अपने यारे प्यारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए। नहीं बोले भाई इन ऋषियों की तो हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती गई है, अरे मैं राजा हूं और मैंने उस छोटे से ऋषि पुत्र से माफी मांगनी पड़ी है। उसी दिन फैसला हो गया निवरा 21 राजा वे इकट्ठा हुए ऐसा कहते हैं, उसके यारे प्यारे रिश्तेदार 21 राजा वहां इकट्ठा हुए हैं। और ने एक मत से फैसला ले लिया किसी गुरुकुल से, किसी भी गुरुकुल को आज से राज की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलेगी, बल्कि गुरुकुलों को आज से टैक्स देना पड़ेगा। ये नया नियम राजाओं ने बना दिया है। और उसी रात कहते हैं ऋषि जमदग्नि की गौ चोरी करा दी जाती है। जमदग्नि ने कहा भाई मैं राजा को समझाऊंगा, मेरी तो गौ भी चोरी होगी, रूप पर टैक्स भी लगा दिया, सरकार से मदद भी नहीं मिलनी। मैं बोला राजा को समझाऊंगा। जो विद्यार्थी थे नहीं बोले गुरु जी बावड़ा मत बने, ये सोच समझ के बनाया गया नियम है। गुरु जी साफ जान की टाल, कौन किसी का जीवन ले रहा कौन किसी का काल, गुरु जी साफ जान की टाल। विद्यार्थियों ने अपने दम पर समाज में घूम फिर कर गुरुकुल के लिए व्यवस्था इकट्ठा की है, द्रव्य इकट्ठा किया है। और इतने में सरी नहीं को रात ने सेंसरा बाहू के सैनिक आवे और आश्रम ने फूक जिया। जमदग्नि फिर नया आश्रम बना ले,
रात ने 10-20 दिन का गोत दे, फिर आश्रम ने फूक जिया, तोड़ फोड़ कर जिया, अत्याचार बढ़ता चला जाता है। उधर विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी को कहते हैं, निवरिया लक्ष्मी मन जाना पड़ेगा की बात। यहाँ से कथा की शुरुआत करते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय हो। ये महाराज कहाँ जाओगे? किधर आप मेरे को अवतार धारणा पड़ेगा। निवली महाराज कै बजा लिया? हाँ निवली 5 बजा लिया, इसका 6ठी बजाऊंगा। फिर 5 बजा बात नहीं बनी। निवली बात बनने रे बिगड़ने की नहीं है, जब जब पाप बढ़ेगा मन जाना ही पड़ेगा। ए मच्छ कछ बरा नरसिंह बनिया, मन फिर धारा वामन अवतार। ओपन के परसु राम इबके है दुष्टों का करना संगा। मच कच्छ बरा नरसिंह बनया, मन फिर धारा वामन अवतार। बनका परशुराम इब गए दुष्टों का करना संहार। हे महाराज कै बजा लिया था, इब ताई के करण जा था, फिर या बात सल नहीं गली। निवला जब भी बात सल लगा लन गया था, पहले अवतार में के सल लगा लिया, दूसरे में के काम करया, तीसरे में के करया, इब का के है। अर्जुन पारा सर 200 रुपए से मान सम्मान भजन को हौसला अफजाई किया। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। माँ देवी समय कभी रुकता नहीं है। उस समय ये जरूर थी तो मैंने ये रूप धारा। अरे समय जो जरूर थी रूप धार दूंगा। क्या कहा सराया चलता देखा। धर्म का
कर्म की रहार हुई अन्याय पाप पड़ता देखा राजवंश अजराज नशे में ऋषियों को दड़ता देखा ऋषियों को दड़ता देखा बढ़ते अत्याचार महाराज ईब का के बनेगा और किसका जन्म लेगा ने बोला सुन ईब का किसका जन्म लूंगा और के बनूंगा क्या लिखा ओए पर गुवनसी ओ हो पर गुवनसी वर्ण ब्राह्मण पर गुवनसी वर्ण ब्राह्मण ऋषि समदक निगार जाना ओ पड़ी से अपना वचन निभाना शास्त्रों की रक्षा खातिर शस्त्र हाथ उठाना परसु ओए कर्म में परसु धारण करके परशुराम कहाना हो कर्म में परसु धारण करके परशुराम कहाना हो ऐसी लीला लोक में पहली बार भगवान परशुराम मंडल धनाना की तरफ से सौ रुपये से मान सम्मान और सुलभ जोर किया गया बार बार धन्यवाद माँ देवी भर्गु वंशी वर्ण ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि कर जाना हो मानवता पर भीड़ पड़ी मन अपना वचन निभाना हो शास्त्रों की रक्षा खातिर मन शस्त्र हाथ उठाना हो और कर्म परशु धारण करके परशुराम का आना हो ऐसी लीला खेलन चालिया मृत लोक में पहली बार बनकर परशुराम ईब गए दुष्टों का करना संहार उधर से फेर आश्रम फूक दिया गर्भवती थी रेणुका चार पुत्र ऋषि समदग्नि रेणु का गर्भवती लेके फिर नया आश्रम चिन्ह दिया उसमें भी आग ला दी और न्यू ना वह गर्भवती थी रेणु का उसको भी प्रसव की पीड़ा होगी जब भगवान का जन्म हुआ जब बच्चा था तुले खड़े थे क्या लिखा है कुटी पे
बोले मारे पुत्र राम हुए सत्सर जिला कुड़िया के मां मारे चौबीस काम हुए सत्संग ज्ञान विचार बिना मूर्ख दुश्मन बेकाम हुए सत्संग ज्ञान विचार बिना मूर्ख दुश्मन बेकाम हुए विकास दास बनी गुरु जी का सत्संग का कर दे परसार ऋषि जमदग्नि से निबुला महाराज तू के चाला कर रहा मैं फूकता फूकता हार लिया तू बनाता बनाता नहीं आ रहा था निबुला नहीं आ रहा हूं और मैं हारूंगा भी नहीं ये विद्या का केंद्र है ये बढ़ता ही रहेगा ये खत्म नहीं होगा तू तेरा सारी कर ले न्यू कहे छोटे से मैं प्रतिशोध की ज्वाला जाग गई थी पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगे एक लाए रात ने उठे अपने तीर बना रहा और अपना निशान्य पक्के कर रहे एक दिन कहते हैं पूजा में वो शामिल कम हुआ करता था एक दिन उसे के नाम की को पूजा थी ऋषि जमदग्नि ने बोला कड़े से वो राम वो की मां ने बोली मना नहीं बेरा सारी आण जंगल में पड़िया रहे है उसको ढूंढते ढूंढते जब गए उड़ो छोटा सा राम मिला था उड़ो बाबू बेटे की बात हुई आपस में क्या कहानी है नए नए बोल हैं दो चार रागनी यहां से कहूंगा ध्यान से सुनिएगा और को कमी हो तो बताना हेलो जंगल में गए तो निशाने पक्के करने लग रहा उसने देख के एकदम सहम गया ऋषि जमदग्नि भी निवला रे राम हाँ पिताजी ये तू जंगल में अकेला क्या करता है पिताजी मैं शस्त्र विद्या का अभ्यास करता हूँ आपकी मन स्वास में स्वाद नहीं आता पिताजी तू शस्त्र विद्या का अभ्यास करता है हाँ ये तरीका तेरा सही नहीं है तुम पूजा में भी शामिल नहीं होता है पिताजी आप जो यज्ञ हवन पूजा पाठ करते हो मने इसमें जरा भी तंत्र नहीं आता मतलब जो स्वाहा स्वाहा चल रही है इसमें तेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ना पिताजी मने इसमें कोई तंत्र नहीं आता तो तुम के कर जाओ से भाई मेरी बात सुनिए सुना सिखा दो शस्त्र विद्या ज्ञान क्या कहा सिखाते हो शस्त्र विद्या ज्ञान बंद कर बात तुम ब्राह्मण पुत्र है तेरे को अपने गुणों अपने वर्ण के अनुसार अपने कुल के अनुसार बात करनी चाहिए ना पिताजी या क्षत्रियों का काम है मैंने यही काम करना है पिताजी क्या करना है सिखा दो शस्त्र विद्या ज्ञान ब्राह्मण कुल की तुम संतान सिखा दो शस्त्र विद्या ज्ञान ब्राह्मण कुल की तुम संतान शस्त्र पढ़ना पढ़ाना इन बातान छोड़ से खा जो शस्त्र चलाना से खा जो शस्त्र विद्या ज्ञान ब्राह्मण कुल की तुम संतान शस्त्र पढ़ना पढ़ाना इन बातान छोड़ से खा जो शस्त्र चलाना खा जो शस्त्र विद्या ज्ञान निबला पिताजी सिखा दो शस्त्र विद्या ज्ञान निबला रे ब्राह्मण कुल की तुम संतान शास्त्र पढ़ना पढ़ाना इन बातों ने छोड़ सिखा दो मैंने शस्त्र चलाना अरे मेरी बात सुन सुनाओ शस्त्र चलाना तेरा काम है शास्त्र पढ़ना मेरी बात सुन सुनाइए शिक्षा के बिन जीवन के मां घोर अंधेरा हो घोर अंधेरा हो ओ न्यू
उजड़ डेरा हो, उजड़ डेरा हो, घोरा हो सब करिया ते बंद, फूल का गुण है एक सुगंध, घोरा हो सब करिया ते बंद, फूल का गुण है एक सुगंध, गंद लियो याना और श्याणा, ओ इस तरिया की खसबोई ते अखा मर जाना, समालो शस्त्र भी भगवान परशुराम या मंडल दे नाना से 100 रुपये और दिए, बार बार धन्यवाद रे बेटा राम। तेरी बात सुन क्या पिताजी, जो कुल की नीति से ली आती है तो ऋषि पुत्र है, ओ कुल कर्मों के अनुसार रीतना चाहिए छोड़नी, चाहिए छोड़नी, ओ अधर्म पीठ बाप की सदा चाहिए तोड़नी, सदा चाहिए तोड़नी, तोड़नी के दुश्मन ते प्रीत, अंत में होगी सत की जीत, तोड़नी के दुश्मन ते प्रीत, अंत में होगी सत की जीत, गीत सदा प्रेम के गाना, हो युद्ध भूमि में सजताना संगीत तराना, सिखा दो शस्त्र विद्या ज्ञान, ब्राह्मण कुल की तुम संतान, शास्त्र को पढ़ना पढ़ाना, सब वरदान छोड़ सिखा दो, शस्त्र चलाना सिखा दो, शस्त्र विद्या ज्ञान, बाहरो की मलिका तेरा हमारे। अरे बेटा राम। हाँ पिताजी। तन्नु मेरा मारा के काम है। क्या काम है पिताजी? जो तू काम खा रहा है वो मारा काम नहीं है पिताजी, मन्ना यही काम सीखना है। तन्नु मेरा मारा के काम है ना पिताजी? ओए शस्त्र विद्या शास्त्रों का प्रचार करना है, प्रचार करना है, ये काम है पिताजी। शस्त्र विद्या शास्त्रों का प्रचार करना है, शस्त्र विद्या शास्त्रों का प्रचार हमें करना है, हमने करना है पिताजी। इतने दिन हो गए देखते देखते सांसरा बाबू के सैनिक आते हैं, आश्रम को फूक के चले जाते हैं, वो उसका काम है। आप ये विद्या मन नहीं सिखा सकते, तेरा ये काम नहीं है। सुनाइए शस्त्र विद्या शास्त्रों का प्रचार करना है, प्रचार करना है, ओ अपने हाथ सिखा के विद्या उन्हें हाथा मरना है, उन्हें हाथा मरना है, वो करना है मन ऐसा काम, ये लक्षण ठीक नहीं तेरे राम, वो करना है ऐसा सा काम, ये लक्षण ठीक नहीं तेरे राम, शाम को यज्ञ में आ जाना, ओ छोड़े आश्रम जांगा गुरु जी तो और ठिकाना, सिखा दो शस्त्र विद्या ज्ञान, ब्राह्मण कुल की तुम सरदार, शास्त्र को पढ़ना पढ़ाना, ओ सब बातान छोड़ सिखा दो, शस्त्र चलाना सिखा दो, शस्त्र विद्या ज्ञान, संत राम जी कोट से और सुर मिला रहे, शस्त्र विद्या शास्त्रों का प्रचार करना है, अपने हाथा सिखा के विद्या इन हाथा मरना है,
करना है मन ऐसा काम। ये लक्षण ठीक नहीं तेरे राम, शाम को यज्ञ जाना। छोटा आश्रम जाऊंगा गुरु जी तो और ठिकाना। और ठिकाना टोलिया कोई? हाँ और ठिकाना। छोटा आश्रम जाऊंगा तो और ठिकाना। सस्तमर त्रिचाल ही देख के जब अली धीमा किशन की जोर की फटकार लग गई है। और तो है ठिकाना और टोलिया गुरु जी। कौन पा गया? सुनो कौन पा गया। बाबा भोले गिरी समिति से कृष्ण शर्मा जी 200 रुपए 100 रुपए से दोनों का मान सम्मान किया। बार बार धन्यवाद। ओए नया ठिकाना कित टोया तू मने बता दे बात। ओ समझाने में ढूंढ लिया एक ब्राह्मण जगन्नाथ। ब्राह्मण जगन्नाथ समझाने में ढूंढ लिया एक ब्राह्मण जगन्नाथ। उसकी फटकार तो बड़े बड़े ने खोगी भाई तेरी तो औकात भी की है। नया ठिकाना बात। ओ समझाने में ढूंढ लिया एक ब्राह्मण जगन्नाथ। ओ ब्राह्मण जगन्नाथ हाथ धरे दे बदला तकदीर। गुरु जी कहते खुद रण पीर। हाथ धरे दे बदला तकदीर। गुरु जी कहते खुद रण पीर। तीर कोई ऐसा चलाना वो विकास ले करे जा बखते हाथ वो फिर नहीं आना। शस्त्र विद्या ज्ञान ब्राह्मण कुल की तुम संतान। शस्त्र पढ़ना पढ़ाना सब बतान छोड़ सका दो। शस्त्र चलाना सिखा दो शस्त्र विद्या ज्ञान। घर छोड़ के लिकड़ गया ऋषि जमदग्नि रेणुका के सामने। निवला चाड़ा पाट गया के हो गया तेरा छोरा घर छोड़ गया। निवली महाराज मेरा बेटा घर छोड़ गया के घर छोड़ गया। और निवला की तो नया ठिकाना टो लिया है। भगवान परशुराम युवा मंडल मिता थर 100 रुपये और दिए। बार बार धन्यवाद। और निवला मैं किता और टो लूंगा। और निवला रे मैंने उसको समझा कि भाई ये तेरा काम ठीक नहीं है तू तेरा लक्ष्य बदल ले। वो मेरे तो नहीं कह गया। निवला पिताजी मैं गुरु बदल सकता हूँ लक्ष्य नहीं बदल सकता। अरे ये बोल सुनते हैं फिर वारेणु का पार्टी है। निवली महाराज ये तो होना है था। निवलिया होना है था। निवली इसका तो मैंने पहले आए बेरा था तन्ना नहीं बेरा था। क्या कहा वो रेणु का कहती है क्या कहती है? भैया से पर गुजी की माया बोलवो आया भैया से बरगुजी की माया। मेरे मेरे बोले याद वो आया। कोई बेल फल होली मूल तड़े याद बोली बाया वही बेल फड़ाई होनी मूल टली ना इन बोला कौन सा। याद करो समय राजा गादी की बेटी सत्यवती से ऋचिक ऋषि ने शादी करी थी। उसका भी पुत्र नहीं था। किसी ने कहा वो दो स्वरूप बनाए थे और ऋचिक ऋषि ने बनाए थे। कहीं लेख में ये लिखा है। दादा जगन्नाथ जी ने भी एक कथा बनाई है। उन्होंने वो भृगु के अनुसार स्वरूप बनाए।
ऐसा दर्शाया है हमारे निवली महाराज, वो समय याद करे कौन सा, जब सत्यवती के लिए और उसकी माँ के लिए दो स्वरूप बनाए थे, वे ऋषियों द्वारा निर्मित थे। वाऊ की माँ बेईमानी करके उसका वहम हो गया कि जो तेरी बेटी है ये इस घर की पुत्र वधु है, इसके मजरूर के बढ़िया में लाया होगा, बढ़िया संतान पैदा होगी। उन अपनी बेटी नहाण खंदा दीर पाछे तो स्वरूप बदल लिए, अपना अपनी बेटी दिखवा की बेटी वाले नाप ठा लेगी। सम्मानित श्री अनिल शर्मा सनो प्यारे लाल शर्मा जी 500 रुपए से मान सम्मान उपलब्ध जारी करते हैं, बार बार प्रणाम। निवली महाराज याद करे वो टाइम कौन सा, सोची डाण ने डाण ने नाण ने बेची अपनी जेठी खेली चतुराई बन बेठी, डाण ने बेची अपनी जेठी खेली चतुराई बन बेठी, बेठी पुत्र जने मैं भाई बेल फड़याई ओड़ी पूर डर नाई, शक्तिशाली वो शाली वो शाली कोन्या कोए पे सरक्षा करियो आप महेश, शाली कोन्या कोए पे सरक्षा करियो आप महेश, इस दिशा पूत गया जी जी साहब। हमारे साथी भाई 500 रुपए का निशान पत करती और फिर परिणाम आया, क्या आया, अब उनका क्षत्रिय कुल था, उनके घर में विश्वामित्र पैदा होया, जो क्षत्रिय हो कभी आचार्य बन गया, जो ब्राह्मण के नक्शे कदम पर चलिया थारा वो खाली लेकर जाएगा, जब का वो करया उड़ काम, आज मन नहीं लगे थारा भी फलीभूत हो गया, क्या हो गया, के साथ घूमते केरी कर गया काल किसी हथ फेरी, के साथ घूमते केरी कर गया काल किसी हथ फेरी, अंधेरी राती शीश पर आई
सनो बारू राम जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। हमारे लिए आदरणीय सम्मानित डॉक्टर सुनील वत्स निठारी जी दिल्ली से चलकर हमारे बीच में आए, 1100 रुपए का सहयोग। विकास दे छोड़ छंद का तीर, विकास दे छोड़ छंद के तीर, शीर कुछ दे दे ते पी कोई दे न फड़ाई कोई मूड दे नाही, प्यासे दरबू की माया तेरे तेरे भूल जाते हो, एक 9-2-11 तरज। हेलो हेलो कमेटी भगवान परशुराम युवा मंडल मिताथल की तरफ से फरमाइश पेश करते हैं, आपकी भी युवा मंडल के लिए बुजुर्ग मंडल की भी एक फरमाइश अलग से, वो भी मन तो इसका भी युवा है, मुझे बूढ़ा कर दिया मड़ा। हेलो हेलो भाई देखो ब्याह इसी चीज हो सका दे मानस तावड़ा इशाना कर दे, 9-2-11 तरज अच्छी लग गई इसने कालिया भी 2 महीने पास 9-2-11 सुन लग गया था के तो जमा हल 2 महीने पास यात्रा अच्छी लगन लगी थी के जब घर छोड़ के चले वो राम जमदग्नी का पुत्र किंग आन चले वो कैलाश की तरफ चलिया, निबला लक्ष्य नहीं बदल सकता गुरु बदल सकता हूं, कैलाश की तरफ चल दिया शंकर भगवान उनके स्वागत में आके खड़े पाए हैं, क्या लिखा है 9-2-11 तरज में, हेलो हो कैलाश के ऊपर आप हरि जब आए शंकर स्वागत में आगे पाए, देवताओं ने हंस के फूल बगाए, दास के ऊपर आप हरि जब आए स्वागत में आते पाए, देवताओं ने हंस के फूल बगाए, कलाश के ऊपर आप हरि जब आए शंकर स्वागत में आते पाए, देवताओं ने हंस के फूल बगाए। बडाला गांव के रहने वाले 100 रुपए से मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद। पहली कली सत्ता से ही सरकार
बनताए। अरे लोंद महीना तेरा आप बनाए। पूरा सुन हंस के फूल बगा भगवान परशुराम युवा मंडल मिताथल की तरफ से 200 रुपए से और मान सम्मान किया गया, बार बार धन्यवाद। कैलाश पर पहुंच के शंकर भगवान को दंडवत प्रणाम करके और जमदग्नि पुत्र राम अपने मन की व्यथा बताता है, क्या कहता है। भगवान ने सारी बात सुनकर उस जमदग्नि पुत्र राम को अपना शिष्य कबूल किया और निवला बयाड़ा मेरे अनुसार तने शिक्षा ग्रहण करनी होगी, क्या कहा। शिव शंकर स्वा
आशीर्वाद साहब 2100 रुपए का सहयोग मंडल को और 100 रुपए और पार्टी के नाम बार बार धन्यवाद। रमेश जी बटाला से 100 रुपए और पार्टी के नाम बार बार धन्यवाद। आखिरी कली क्या लिखा क्या महिमा सुनाऊं गुरु धाम की ना उतरे खुमारी गुरु नाम की पाक भूमि बनाई गुरु नाम की सम तकनी के पुत्र गुरु नाम की ओ हो गुरु नाम की पढ़ाई पढ़े पढ़ावे राम चढ़ाई चढ़े चढ़ावे राम पढ़ाई पढ़े पढ़ावे राम चढ़ाई चढ़े चढ़ावे राम तो कौन गिराए विकास सुमर कर तार सभा में गाए फूल बगा कैलाश के ऊपर उस बर्फ में रह के शंकर भगवान के अनुसार उसने तपस्या कर दी। और दूसरी तरफ कहते हैं रेणुका एक रोज लेट होगी, जल भर के ले आई, इतना यज्ञ भी हो लिया, ऋषि जमदग्नि का सख्त हो गया, चारों पुत्र बुला लिए, राम तो घर छोड़ गई, माल्य बजाए कैलाश बजा लिया था, ने बुलाया इसने सारे कुल का कलंक ला दिया। अरे इसका भाई मेरा आदेश सधरी माँ का शर्तार दो। चारों छोरे ना अटके, ने बुलाया बाप का आदेश, बाप का आदेश ना मान के बाप कमाते हो, ने बोला माँ का शर्तार कभी तो बाप पे कमाना से इस अच्छा बाप की ना मान के कमा लेंगे यो काम नहीं करेंगे। ऋषि जमदग्नि ने बोला भाई अद की बात है, खुद मेरी पत्नी है, उसका मन नहीं होना, मेरा कड़ जा रही है कोर्ट पर आई है, चार छोरे घर में, चार वहां तो कह के देख ली मेरी को मानता है ना, मैं घर में करूं केस हूं फिर मेरा के काम से जो मेरी चलती है नहीं, मेरी को मानता है नहीं, घर छोड़ के ऋषि जमदग्नि चले गए। चारों छोरे रेणुका रहेगी उधर 10 साल तक कैलाश में तपस्या करके, और परशुराम से शंकर भगवान ने न्यू कोई नहीं बोला भाई राम था नाम परशुराम अड़े इस भजन में आओगा परशुराम कड़े तो बनिया नहीं बोला पर राम तेरी तपस्या पूरी होगी जा ऐसा योद्धा इस धरती पर ना तो आज तक आया है और ना कभी भविष्य में आओगा और तू मेरी बात सुने। यहाँ शंकर भगवान जमदग्नि पुत्र राम को कहते हैं, क्या कहते हैं सुन ऐसा योद्धा इस दुनिया में ना हुआ ना आगे आवेगा अरे भरगुवंशी हर राम कीर्ति वे सदा जमाना गावेगा सदा ऐसा योद्धा इस दुनिया में होया ना गावगा
और भैरगुवन श्री राम कीर्ति तेरी सदा जमाना गाओगा। आज मेरा विश्वास हो गया कि मेरा धनुष मैं तेनों सौंप दू, मेरा गलत फैसला नहीं होगा। पहली गली अभ्यास हुआ धनुर्विद्या का जाननिया, इस आज तलक न खास हुआ तेरी खातरी धनुष हमारा, शंकर के विश्वास हुआ कहन गुरु का ठीक पुगा दे, उस खातर शाबाश हुआ कहन गुरु का ठीक पुगा दे, उस खातर शाबाश हुआ करके पास हुआ रे परम पति पद पावेगा। त्रिभुवन श्री राम कीर्ति सदा जमाना, सर्वथा इस दुनिया में होया नया कयावेगा। त्रिभुवन श्री राम कीर्ति सदा जमाना, ढलने लगी हो चांद छिपने चला, हो रात ढलने लगी हो चांद छिपने चला। सोमवीर जी धनाना से 100 रुपये और देते हैं, बार बार धन्यवाद। आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी 500 रुपये से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद। भाई ने भी मान सम्मान हौसला अफजाई किया, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। एक तो अपना धनुष शंकर भगवान ने दे दिया, अरे एक हथियार ऐसा दिया निवले आज तक दुनिया में नहीं है, ना कभी युद्ध मचलिया है। मैं तेरे को वो हथियार दूंगा, दुनिया सदा उसके उसके साथ तेरा नाम जोड़ के सदा सदा तेरे को याद रखेगी। दूसरी कलिम क्या कहा, ऐसा शस्त्र दे दिया शिव ने, आया जी आज तलक युद्ध में ना चला, परसु नाम बताया जी शंकर का वरदान साथ है, खेलो अपनी माया जी। संगारक शक्ति एक भाग मन तेरे नाम चढ़ाया जी, संगारक शक्ति एक भाग मन तेरे नाम चढ़ाया जी, दुष्टों का करो सफाया जी, दुष्टों का करो सफाया जी, मत अधर्म दूण अच्छा मंडल मिता थड़ 100 रुपये और दिए, बार बार धन्यवाद। प्रकाश प्रधान जी गुजरानी से 100 रुपये और दिए, बार बार धन्यवाद। छोटा बेटा 100 रुपये से मान सम्मान किया, परमात्मा लंबी उम्र हो, बार बार धन्यवाद। भाई ने भी 100 रुपये से मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद। निवला रे सुन राम, आज से दुनिया जो परसु तने धारण किया है
इसके साथ जोड़ के तना परशुराम कहा करेगी। बोल भगवान परशुराम की। यहाँ शंकर भगवान ने नाम धर दिया राम का, परशुराम क्या कहा। परशुराम काया जागा परशु धारण करने से जग में हथियार नया जागा। ऋषि मुनि सन्यासियों की न दुखड़ा और साया जागा। विष्णु का अवतार छठा दुनिया में नाम रहा जागा। विष्णु का अवतार छठा दुनिया में नाम रहा जागा। जब सबका नीर बया जागा हर धर्म बाग लहरावेगा। गोवन शिला को लेख को पढ़ के देखो। परशुराम एक नाम नहीं बल्कि पूरा अभियान है। परशुराम एक नाम नहीं पूरा अभियान है। कितना सुंदर शानदार वो समय रहा होगा जब खुद विष्णु भगवान स्टूडेंट के रूप में और शंकर भोलेनाथ एक अध्यापक के टीचर के रूप में कैसे भोलेनाथ विष्णु जी को पढ़ाते हैं। क्या नजारा है, क्या लिखा है। शिष्य राम रूप में विष्णु शिष्य राम रूप में सतगुरु भोलेनाथ सुनो। कैलाश के ऊपर 10 वर्षों तक कर दी खूब खूब आते सुनो। दुनिया सोवे खटकी जाके फरक नहीं जन रात सुनो। कवि गणिया पहलवान होर ना संतोख जाते सुनो। कवि गणिया पहलवान होर फिर ना संतोख जाते सुनो। सत्संग की कोई बात सुनो। सत्संग की कोई बात सुनो। यो बांसुरिया सुनावेगा। परशुराम या मंडल मिताथड़ 100 रुपये और दिए 100 रुपये से भाई मान सम्मान के बार बार धन्यवाद। लेकर धनुष और फरसा जब परशुराम रघुवंशी राम परशुराम बने के उल्टा सा लिया राम बाबू फेट गया। और लखाते नहीं बोला पिताजी अड़े क्यों करे। नहीं बोला मैं तो सुन तू क्यों करे। नहीं बोला मेरी विद्या पूरी होगी मेरी शिक्षा पूरी होगी मैं वापिस घर की तरफ आया हूं। और नहीं बोला चाल कर वो तो घर छोड़ कर रहा था। नहीं बोला मैं घर के करूंगा भाई के बात। नहीं बोला जो मेरा ब्याह राखी था मेरी ब्याह था मेरे कहे मन ही चार छोरे थे चार हुआ था न्यारी न्यारी मन कह के देख ली कोई मेरी मानता ही को नहीं मैं घर में के करूंगा। नहीं बोला पिताजी आपका पुत्र जिंदा है मेरी गैल चाल मैं करूंगा तेरे मन की। नहीं बोला तू भी ना करेगा भाई पसले चारा ना करी तन तेरा केवरा तू करेगा। नहीं बोला बापू मैं करूंगा तू घबराओ क्या तो है।
निवला भाई राम चाल पड़ूंगा घर तू वचन कर दे, अगर जो मैं कहूंगा वो तू कर देगा। निवला पिताजी वचन वाली कोई खास बात तो है नहीं, पर तेरा जी के रहते ले मैं वचन करता हूँ, जो मेरा बाप कहेगा जो तू कहेगा मैं वो काम करूंगा। परशुराम ने वचन कर दिया, अपने पिता को लेकर परशुराम वापिस आश्रम पर आ गया। सारा कुणबा फिर मिलया, परशुराम अपनी माँ से रेणुका से मिलया, चारों भाइयों से मिलया, और फिर जम तक नहीं बोलिया था निवला भाई परशुराम तेरा वचन याद है कि नहीं। हाँ निवला याद है पिताजी, मैं तेरा कया करूंगा। निवला दी पुगा दे वचन के करूं, निवला तेरी माँ का शर्त तैर दे। अरे सुनिया बोल रे एकदम पत्थर आ गया त्योर चुगरदन लखा। निवला पिताजी हाँ निवला मैं कहूं धर तू भी ना करे पछलिया ने भी ना कर, एकदम चक्कर खा गया। क्या लिखा है सुनिया पिता का बोल शौरी गए काल जा छोल पिता के बोल डोलगी शंकर भगवान अजब तेरी माँ बोल शंकर भगवान अजब तेरी माँ बोल बोल की काया पिता के बोल डोल की काया। हे शंकर भगवान अजब तेरी माया, हे महाराज तन आशीर्वाद दिया सक मेरी परीक्षा ली है, तने जो हथियार दिए वो मने पहला वार करना, मने अपनी जननी माप करना मेरे सामने कैसा विचित्र समय दे दिया। चारू कून मार दू दून आप धरती में कुछ ना रास्ता दिखे अण सरती में, कुछ ना रास्ता दिखे अण सरती में, पता क्यों कर काटू नारे पेट को पाड़े मजसन जाया। साथी सांगमान साहब दादरी से 100 रुपए से मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद। निवला रे पहला बार माँ पकड़ना पर वचन करया, बाप का कहन पुगाना क्या नजारा है। अरे खूब दिया हथियार के पहला वार करूं जननी पे, अरे से की पनी धार करूं जननी पे, अरे से की पनी धार करूं जननी पे, अरे रोया टक्कर मारे शीशन तार फेर डकराया। ये शंकर भगवान अजब तेरी माँ।
सिसाए गांव से बहादुर रहते हैं, 100 रुपए से मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। और जैसे माँ का शीश तारा जमदग्नि की आंखें चमकती निबले रहे, तू मेरा पुत्र है, अर्जा तने मेरा काया पुगाया है, तने मेरा वचन पुगाया है, कोई भी वरदान मांग धरती का मैं तेरे को दूंगा। क्या नजारा है, सम्मानित श्री चांद पहलवान जी, 100 रुपए से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं, पहलवान जी को बार बार धन्यवाद धन्यवाद। रतन निभाया फर्ज पिता का, कर्ज तारे दिया सारा, कहा वचन और कहन पुकाया मारा, पूरण कर दिया ब्यान मांग वरदान कोए मन साया, हे शंकर भय भगवान जब तेरी घरवासे में आपसी संदेह हो जाता है, वो घरवासा खत्म हो जाता है, जहां शक पैदा हो जाता है वो गृहस्थी तबाह हो जाती है। क्या लिखा है, सत्या नाश बिना विष वास की सागर वासा, सारी आण कलेश मिटे ना रस, सारी आण कलेश मिटे ना रस, छंद काना कठिन विकास बिना अभ्यास नहीं जाता या, हे शंकर भगवान मजागण में देवी प्रकट हो सकते न्यू हो गया हो, परशुराम आ गया हो जा सत्यानाश बिना विश्वास की सागर वासा, रह सारी आण कलेश मिटे नरासा, छंद गाना कठिन विकास बिना अभ्यास नहीं जागाया, हे शंकर भगवान जब तेरी माया निबले रे, कोई भी वरदान मांगे, इसीलिए कहा है मानस ने सोच समझ के काम करना चाहिए, बिना समझे दादा मांगे राम कैसे के, बिना समझे जब काम करे तो खून खराबी हो से, मानस ने सदाए सदैव सोच समझ के काम करना चाहिए। क्या लिखा है, ओ काम करे जो बिना बिचारे, जीत होई ना वे नर हारे, काम करे जो बिना बिचारे, जीत हुई ना वे नर हारे, और लिखा हुआ इतिहास पुकारे, झूठ कहू ना बात में जो बिना बेचारे, जीत हुई ना वे नर हारे, हारे।
करे जो बिना बेचारे, जीत हुई वे नर नारे, जीत हुई ना वे नर आरे, लिखा वे इतिहास पुकारे, ना झूठ कहूं बात में कैसे। आप संजीवन मंत्र योग साधना करके तंत्र, चल्या ना कोई जादू जंतर, पूत खपाए स्यात में, जीत हुई ना वे नर हारे, लिखा होया इतिहास पुकारे, ओ भगत से पैर लगाया, जड़ी सिंह का भगत बचाया, भगत से पैर लगाया, जड़ी सिंह का भगत बचाया, और चौखट ऊपर दुष्ट खपाया, नर शेर खड़े कगात में, सारे जीत होई लावे नर हारे, खामी नहीं आन दी, गर्दन ऊपर तेग तान दी, खामी नहीं आन दी, गर्दन ऊपर तेग तान दी, और इतनी नानी आप जान दी, कह जिंदा चाहूं बात मैं, काम कर जो भला बेचारी, जी होई ना बोला रारी, या हो या इतिहास बुखारे, जो ना हो ना बो, काम कर जो भला बेचारी, अरे झूठ का होना बात में।
का ठाके छोड़ा नबी कर दिया रुका रोला स्वामी प्राण का ठाके छोड़ा नबी कर दिया रुका रोला स्वामी प्राण का ठाके छोड़ा भोला भाड़ा साफ आत्मा प्रेम करे सब संत महात्मा भोला भाड़ा साफ आत्मा प्रेम करे सब संत महात्मा जन्म मरण का खरो खात्मा चौरासी थारे हाथ में जीत हुई ना दे दर हारी लिखा होया इतिहास पुकारे जो ना हो ना करे जो ना बेचारे जीत हुई ना दे दर हारी क्या होया इतिहास पुकारे जो ना हो ना पिता से वचन करया था छन में और सुन के शीश फिर पटक्या धरण में परण में खामी नहीं आन दी गर्दन ऊपर तेग तान दी और बोला इतनी नानी आप छाण दी मेरी चाहू जिंदा महात्मा जब उन्हें बोला कोई भी वरदान मांग नहीं बोला पिताजी तू भी वचन कर दे मन वचन करया था ऋषि जमदग्नि ने भी वचन कर दिया ने बोला एक ही चीज चाहता हूं मेरी माँ दोबारा जिंदा हो वचनों में बने जमदग्नि ने फिर जिंदा कर दिया एक काम हमने बिना सोचे समझे करा चाचा बोले हमने भी कर दिया रुका रोड़ा मुसवा विमान का ठाक झोड़ा भोला बाड़ा साफ आत्मा प्रेम करे सब संत महात्मा जन्म मरण का करो खात्मा चौरासी धरे आत्मा झूठ का होना बात में के माँ जिंदा करा ली सारा कुनबा सुख शांति तर रहने लग गया थोड़ा सा समय बीता एक रात संसरावा के सैनिक फिर आगे और जिसाए उनके आश्रम में आग लाई एक ले परशुराम ने न्यू को सारे बिछा दिए खून खराबा माच गया कुछ सैनिक जान बचा के भाज गए और उसका पिता जमदग्नि खड़िया लगा ने बोला ओ छोरा ने बोला हाँ पिताजी ने बोला के करे से तू यो ने बोला के करूं सो जवाब दूं सो ने बोला नहीं भाई ये एक ऋषि का आश्रम है ये खून खराबा यहां नहीं चलेगा ये शिक्षा का मंदिर है यहाँ शिक्षा ग्रहण की जाती है अरे यो काम नहीं होगा निबले पिताजी यो तो मेरा पहला जवाब था और मोड़ पर जवाब में लगा मन यो ही काम करना है निबले फिर तूर में एक जगह नहीं रह सकते भाई तेरी सोच अलग है मेरी सोच अलग है परशुराम ने हाथ जोड़ दिए कि आश्रम को छोड़ दू छोड़ू ना अपने प्रण को पिताजी तेरे आश्रम को छोड़ दू छोड़ू ना अपने प्रण को है मेरा ऐलान ये है मेरा पहला जवाब जारी रहे हर मोड़ पे अब राजा को ऐलान है तैयार हो जा मरण को आश्रम को छोड़ दूं छोड़ू ना अपने प्रण को के चला जागा ने बोला ई बगाया छोड़ का आश्रम अरे को सीधा शंकर भगवान के दौरे ने बोला जो गुरु दक्षिणा लेनी हो तू मेरी ले ले अपने मिशन पर लकड़ा हूं या तो वो अत्याचारी राजा नहीं रहेगा या परशुराम नहीं रहेगा मेरे सर पर बाहर नहीं जागा मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं शंकर भगवान आशे ने बोला पूरी दक्षिणा तो होगी भाई संसराबा उम्र लेगा जब पर तुम आदि गुरु दक्षिणा दे दे आदि कौन सी न्यू कहे संसराबा उनर रावण को कैद कर रखा था शंकर भगवान आशे ने बोला भाई तू ऐसे में वो तैया का जो छत्ता था छत्ते में हाथ मरवाना था निबले बा रावण ने आजाद करा दे कड़े है निबले संसराबा होगी कैद में से शंकर भगवान कहते हैं क्या कहा दुनिया आप उपाधि दे दे अरे गुरु दक्षिणा आदि दे दे अरे रावण ने आजादी दे दे कह दिया भोले नाथ ने दुनिया आप उपाधि दे दे गुरु दक्षिणा ने आदि दे दे रावण ने आजादी दे दे कह दिया भोले नाथ ने महाराज कौन है रावण जग में सच्चा भक्ति
हमारा रहता है शिव नाम आधारा, रहता है शिव नाम आधारा। अरे सारा जीवन करी रत तपस्या, वेद शास्त्र जाने शिक्षा, फंद काटे और मेट समस्या, कारज करिए राटन। धनुष्वर फरसा हाथी उठाए सारे सैनिक काटे पकाए, सारे सैनिक काट पकाए। अकेला परशुराम अर्जुन रावण कैद कर रखा था, सारे सैनिक एक लेने काट पकाए, रावण का तो रजा का मारी सैन ने बोला महाबली पने पाया न खोलूंगा था न तोरे आए महारथी के समय करा दे बुरी गति के बेल काट दू महारथी के पहले में खोल लू हाथ में सम्मानित सतवीर शास्त्री जी, सौ रुपये शोर आशीर्वाद या बार बार प्रणाम भगवान परशुराम जी मंडल मिता थल, सौ रुपये और दिए बार बार धन्यवाद। बेल काट दी रावण को फरी कर दिया, रावण दिखा निवला जी आप कौन हो, निवला जिसका तू भगत है मैं उसका शिष्य हूँ, भगत तू हो जिनके मैं शिष्य, भगत हो जिनके मैं शिष्य, उनका आया भेद सीख के रण का, भेद सीख के रण का, अरे रावण का भी ख्याल सते रे सतगुरु दीन दयाल सते रे, उत्तर और सवाल सते रे शोर मचे बर्बाद परशुराम ने बोला भाई भगत तुम जिनके मैं शिष्य उनका आया भेद सीख कर रण का, फिर रावण का भी ख्याल से तेरे सतगुरु दीन दयाल से तेरे उत्तर और सवाल से तेरे वह शोर मचे प्रभात में बोला दिन लकड़न आला से सत्यनारायण जी सौ रुपये और दिए धन्यवाद दिन लकड़न आला से और तुम भाई अड़े नाप जा निवला रे सुन परशुराम मैं भी विसरवा ऋषि का पुत्र हूं, कदे टाइम आओगा तो रावण भी इतना खड़ा पाओगा के एच विश्वा सुर का सुम पुत्री दे दू ठीक समय पे उतरे ओ तू ठीक समय पे उतरे, अरे सूत्र अलग विकास हमारा झूठा चुगल नून तारा सत्संग लगे इतना प्यारा न सो धीरे दिगातन जो सैनिक आए थे वे काट बगाए सैनिका ने कही महाराज एकला था परशुराम जिसने सारे सैनिक काट दिए, अर्जुनता रावण की कैद छुटा दी तड़का चक्कर हो गया, ने बोला रावण ने कौन छुटा ले गया, ने बोला जी एकला आया था कौन था
निवल्या परशुराम निवल्या भाई परशुराम ने काट दिया उस आश्रम माग सारे सैनिक जालिए खूब यातना देली ऋषि जमदग्नि ने बोला भाई झाड़ा ले लो इस आश्रम में परशुराम से नहीं सारा झाड़ा ले लिया नहीं पाए फिर वे सैनिक ने बोले जी जमदग्नि कभी झूठ नहीं बोलता परशुराम आश्रम में नहीं से हमने झाड़ा ले लिया बिल्कुल नहीं से निबला रन्यो क्यों करो सके है चार छोरे थे संसराबा हो गए वे निबले पिताजी बाप ने बेशक ना बेरा हो पर इस धरती पर ऐसा नहीं होता कि मान ना बेरा हो मान जरूर भेद पाओगा निबला फिर माँ दो क्यों कर भेद लिया जागा संसराबा हो गए चारों पुत्र स्टूडेंट छात्र का रूप बना के और जमदग्नि के आश्रम में दाखिला लेगी और दाखिला लेगा आश्रम में रहन लागे और रोज देखें अड़के कर रहे हैं ऐसा कहते हैं वशिष्ठ मुनि सुशीला नाम की गौ जो कामधेनु की बेटी थी बच्ची थी उसने और प्रियव्रत की बेटी अनामिका ने आश्रम में छोड़ गया था निबला भाई तेरे आश्रम के लिए गौ पर्याप्त रहेगी तेरी गौ भी चोरी होगी थी उनने देखे सुशीला गौ जो कामधेनु की बच्ची थी उसने ठाट कर रखे वे के पट ढण गए थे वे तो सारी चीज नाप तोल कर घर आगे चारों छोरे आसन पाटी लिए पड़ गए संसराबा हुआ निबला रे के बात नरक के बात क्यों करे चारों डकरा पड़े ए जी ऋषि जमदग्नि के बंदरी से एक या घनी विचित्र अरे सांझ तो पहला होनी चाहिए राजभवन के पिताजी के राजा बन रहे हो तुम इसी बाबियां ऋषिया के बंदरी है बोला ऋषि जमदग्नि के बंदरी है गणी विचित्र का और सांस दपलिया होनी चाहिए राजभवन का मां निबला सांस दपलिया ए ची हो जा श्याम च सूरज डाली ते मन की तबीयत नहीं खली ते मन की तबीयत नहीं खली ते अरे कऊ सुशीला नहीं मिली ते कऊ सुशीला नहीं मिली ते मैं बिल्कुल जीऊ ना शांत पहला होनी चाहिए राजभवन के मां जी तब तक नहीं के बदरी से अद्भुत खूब सुगंध ले छप्पन भोग करें आ नंद छप्पन भोग करें आ नंद ये सब तरिया से काटे फंद सब तरिया से सब पूछे उसके पास जी आनंदी करते हैं ऋषि लोग लिया है लोग जखावा जोग लिया है लोग जखावा जोग निवला रह रहे फूस के मकान में हैं छपरा मरे हैं उनका खाना देख थारे राजभवन के पकवान भी फीके हैं लिया है लोग जखावा जोग ये राजभवन के भोग फीके राजभवन के भोग फीके पकवान अनूठे खा चाहिए राजभवन के मां ऋषि जमदग्नि
सतगुरु कहते सत प्रकाश देवता करते सभी निवास देवता करते सभी निवास और कर ले ख्यास विकास पूजले कर ले ख्यास विकास पूजले ये जान के जननी मां भगवान परशुराम युवा मंडल मिताथल सौ रुपये और दिए बार बार धन्यवाद निवला ऋषि जमदग्नि के बंद ऋषि घनी विचित्र गां और सांस तो पहलिया होनी चाहिए राजभवन का मां निवला सांस तो पहलिया सांस तो पहलिया और ना तो कोई जीने का इच्छा नहीं है निवला के मुश्किल बात है बाबिया का बंद रही है और ईब सैनिक जाएंगे रीब ले आऊंगे कहते हैं सजनो सैनिक गए और बल का प्रयोग करके राजा जमदग्नि ऋषि जमदग्नि के साथ भी हाथापाई करके सारी मर्यादाएं तोड़कर सुशीला गऊ को जबरदस्ती घेर के राजभवन में ले गए। अनामिका ने संदेश भेज दिया परशुराम वहीं जंगल में एक तरफ आश्रम छोड़कर अकेला रहा करता था। अनामिका को उसका पता था। अनामिका ने जाकर बता दिया तेरे बाप भूगल भी हाथापाई करके चार दड़ाक तेरे बाप का दर गेरू गऊ ने खोश ले गए के बनेगी निवला बात सुन ले दूर हो ले एक लाए फिर बढ़ गया। अरे भीतर बढ़ यार जो गऊ बंद रही थी उड़ा सैनिक थे जो सराणीय थे उनका चार चार दड़ाक मार के निवला आराम खोरो छोड़ो ही गऊ ने अरे गऊ ने खोश के और फिर चल दिया रहा लकारा भाजा गया था निवला ए महाराज आद होगी है के आद होगी निवला जमा घर बढ़ गया कौन निवला परशुराम निवला फिर आ गया निवला कौन कौन थे निवला जमा एकला था और सारे का चार चार लप्पड़ मार गया रू गऊ ने खोश ले गया तेरी के रहेगी चारों छोरे निवला बाबू ही भाद होगी घर पढ़ लिया थे उस नाम आड़े ले आओगे चारों छोरे घोड़िया चाली थे वो पैदल पैदल गऊ लेकर घोड़िया पे आश्रम मजा लिए और जमदग्नि का तलवार अड़ा दी। यहां कहते हैं उसके परशुराम का बाप जमदग्नि का कत्ल कर दिया उन चारों ने। क्या कहानी बनी है अरे घेर मार दिया समदग्नि विद सब तरियात आज अति होगी ओ घेर मार दिया ये जमदग्नि विधवा सब तरियात आज अति होगी ओ जूत महल में बढ़िया ऋषि तेरा पूत महल में बढ़िया ऋषि तेरा पूत अरे ऊत घना उने ऊत घना उने काले दिए गम शा अरे महेश मती की बेचती
भाई ये था इंतजमा का राम पड़ गया ये ललकार उसको भारी पड़ेगी ए रे भारी पड़ेगी या ललकार वो योद्धा बार ए रे भारी पड़ेगी या ललकार वो योद्धा दिखा काट दे बारे अरे तारे शीश लू तारे शीश लू और अड़ू छन में प्रा अरे कायर की ना परम गति होगी लगा लिया ब्रह्म हत्या का दोष लगा लिया ब्रह्म हत्या का दोष अरे जो से मरी के जो से मरे के वाखे ची तेग माया और सब तरिया ते मूढ़े मती होगी ओ गिर मार दिया ये जमत गनी ये दवान सब तेरी आते आज अति होगी ऋषि कत कर दिया कतले आम बता तेरा कित गया परसु राम बता तेरा कित गया परसु राम अरे श्याम सवेरी श्याम सवेरी गुरु चरण ने मैं विकास कलम तेरी खास कति होगी ओ गिर मार दिया तब बेगनी विद्वान सब तरिया दाजती होगी न्यून तो परशुराम गऊ लेके आया और गऊ लेकर न्यू थाले बाप की मेरी बनती तो नहीं पर बाप की आ गऊ लेके गए थे इसकी इज्जत रह जाएगी तो उल्टी दे चालिए और जैसे ही आश्रम का दौरे पहुंचा मां डकराती पाई है बाप का शरीर खून नम खून लहू लवान बाप का कत्ल कर रखा मां डकरावे है रोवे है अर दूर खड़िया नहीं उड़ा हे परमात्मा एक हाथ कालजा खड़िया हो गया मान डाटू कापा डाटू क्या नजारा है क्या लिखा है ए रे मां का देख विलाप पूत गया काप बाप ने खोदू रोती डाटू मात आप मैं रो दू देख पूत गया पाप ओ दू रोती डाटू मात आप मैं रो दू देख पाप मैं रो दू
पूत गया काप पाप ने खोदू आज रोती डाटू मात आप में रो दू मा टकराव से और छोरा देखे से बाकी भी के रह जाए क्या नजारा है क्या सब श्रृंगार मात डकराती पूरी 21 बार पीट ली छाती होगे कितने साल रहूं घबराती आज उस पापी का न वंश देखना चाहती मैं कित लुक जा परिवार न कर लाख बोलू रोती डाटू आप मत मैं बोलू ओ देख ना पूत गए आप बाप ने खोदू ओ रोती डाटू पूरा गांव के रहने वाले डॉक्टर राहुल हमारे छोटे भाई 100 रुपये और दिए बार बार धन्यवाद चाचा ईश्वर उमराव 600 रुपये और दिए बार बार धन्यवाद भगवान परशुराम युवा मंडल मिता थड़ 100 रुपये और दिए बार बार धन्यवाद प्रकाश प्रधान जी काफी नाम पहले 200 रुपये शोर मान सम्मान किया बार बार धन्यवाद धन्यवाद पाप करण का दोष लगेगा थारे चेतन हो बेहोश लगेगा थारे पतिव्रता का रोष लगेगा थारे कोई मत बोलो खामोश लगेगा थारे कोई मत बोलो लगेगा थारे संदीप भारद्वाज जी सुई से 3100 रुपये मंडल में 100 रुपये पार्टी के नाम बार बार धन्यवाद अरे शोर सत्यवान सह से हमारे सत्संग परिवार से 2200 रुपये और दिए बार बार धन्यवाद धन्यवाद परशुराम की मानवरी आज कड़े गया वो कौन जो छोटा सा खुरिया धरती काटने लग गया था न्यू का था मके ने छोड़ दूंगा कौन आज जरूर तय कड़े गया वो कड़े गया वो ना शस्त्र डारणिया कड़े गया वो फरसे का धारणिया कड़े गया उम्मा का शर तारणिया कड़े गया आज खड़ा धर्म हारणिया सजनी फेर मांगने दो दू छोटी डाटू मात आप मैं रो दू मात देख मेरा बंकूट गया काप पाप ने हो दू छोटी डाटू मात आप मैं रो दू
ऐसा कहते हैं वो एक आचार्य का मर्डर था, एक अध्यापक का मर्डर था, एक अध्यापक का, एक आचार्य का कत्ल था। निवलारे ज्ञान दुनिया में मरता नहीं। और ज्ञान गुरु का, ज्ञान गुरु का अमर कदे मरता ना, इतने छल के खूब गड़ा वरता ना। शिव का शिष्य मैं झूठ वचन करता ना, विकास रात दिन कलम कती धरता ना, विकास रात दिन कलम कती धरता ना। सतगुरु ज्ञान विचार मोती बोजू, अरे रत्ती डाटू बात आप मैं रोजू, होता देख तलाब फूट गया काम माप रहे बोजू, किस बार छाती पीटी है अन्य का यह इस बात की गाना वंश देखना चाहती पूरे तय संकल्प कर चलिया ने उला सैन सराबा रूप में चार उन छोरियां का शर तार के जिन्होंने मेरे बाप का कत्ल किया है, चार उन छोरियां का शर तार कर अपनी माँ का पेट चढ़ाऊंगा जब शक्ल दिखाऊंगा, और ना तो मेरा नाम परशुराम नहीं ये धरती आकाश मेरा ऐलान सुन दे, अगर मेरा वचन पूरा ना हो तो मेरे को नरक में स्थान मिल सकता। इतना वचन करके परशुराम गान उड़े सुशीला गौ को छोड़ निकल जाता है। अरुधर अनामिका लकड़ी आश्रम आश्रम जमदग्नि की मौत की खबर आग की तरह फैल जाती है, सारे ऋषि ब्राह्मण वर्ग बतलाया निभले भाई ब्राह्मणा की इज्जत रहेगी। जब घर में बड़ के कत्ल करके सर तार के रह भी के गया चर्चा हो जाती है क्या, जमदग्नि के मरण की सुनके हर ऋषियों में चंगारी पड़ गई, अरे राज धर्म ने पूजा छतरी समय कौन सी आकर दी, ओसे छतरी का यो फर्ज के रक्षा सब रैयत का फर्ज, अरतना दवारी पढ़ा मरज ही रोक थाम जन दूरी छड़की रे अंत फैसला करो आज या बिल्कुल चौखट कितने बड़ी प्यारे रस्ते तारे
अनामिका आश्रम आश्रम घूम के निबली डूब का मर गया हुआ हमरो थारा के जीना है एक अकेला छोरा थारा लोग परशुराम जी के खातिर तैयार खड़ा है तुम सारे आश्रम के मां बट रहे हो थारे ही तो नहीं अनामिका की पानी में असर करया प्यारे प्यारे रस के अरे तुम सब हार गए लकड़िया बारी कदम में उड़की रे अनामिका की सुन के बाणी कई कई टोई पार लग रही तैयार होगी पर उसके सैनिक ड्रेस अलग थी किसी की ए रत्रीले लाल गेरुए वस्त्र सेना सिखे अस्त्र शस्त्र संसरा बाहु सुनो पुकार ये दक्षिण पश्चिम शस्त्र कार अलकारा बाजार है निवले महाराज संसरा बाहु बचाओ के बाद निवले दक्षिण मर पश्चिम में जो तेरे शस्त्रकार थे जड़े शस्त्र लतन धर रखे थे अपने निवला धर रखे थे निवला सारे लूट लिए किसने लूट लिए बोला सेना चढ़ गई किसकी चढ़ गई जिसकी इतनी मत संसरा बाहु क्या थी हटा दिए ये लूट लिए सारे हथियार लूट लिए सारे हथियार परशुराम की सेना चढ़ गई विकास अधूरी नहीं रहे जो गुरु के मुख से पानी कट गई भगवान परशुराम यो मंडल मिता थल 100 रुपए और दिए बार बार धन्यवाद संसरा बाहु सुनो पुकार दक्षिण पश्चिम शस्त्रकार बोला लूट लिए सारे हथियार किसने वो परशुराम की सेना चढ़गी हर विकास अधूरी नहीं रहे जो गुरु के मुख से बाणी कटगी जमदग्नि के मरण की सुनकर ऋषियों में चिंगारी पड़गी राजधर्म को भूलिया क्षत्रिय समय कौन सी आगे बढ़ी कहते हैं परशुराम ने भी जंगल में अपनी सेना तैयार कर ली है अर्न्यू ने आख्या के मर रड़क गया सेंसराबाव कभी और सेंसराबाव दूर खबर पहुंच गई कि परशुराम ने वचन करया तेरे चारों छोरियां का शर्ता रगा चारों छोरे अपने यारे प्यारे रिश्तेदार न्यारी न्यारी जगह भेज दिए और चारों आगे शर्त तार के और अपनी मां ने भेंट चढ़ाना आया आश्रम मांग के देख है न्यू कह है पीछे से जब पता चलिया गुस्से में क्रोधित होकर सेंसरा बाहु आया है उसने रेणुका की इज्जत भी खराब करनी चाहिए अनामिका बीच मारगी न्यू कहा अनामिका कत्ल कर दिया और फिर जब गलत दृष्टि लेके सेंसरा बाहु रेणुका की तरफ बढ़िया तो उन्हें कहा रेणुका ने आत्महत्या कर ली अपने तलवार मार ली और चारों छोर आ गए सेंसरा बाहु के चारों छोर आ गए शर लेकर जब परशुराम पहुंचा तो क्या देखता है माँ भी मरी पड़ी है अनामिका भी मरी पड़ी है चारों शर ले रहा है टकरा करो पड़िया क्या कहा रेणुका मारण आले मरिया मेट करूंगा बाप का बदला चारसी से किसने बेट
मेरे बाप का बदला चार शीश में किसने भेंट करूंगा रे, मात रेणु का माल नाले तुमने मलिया मेट करूंगा रे। पहली कलिम के गए है एक समय राज करे, एक समय जाड़े जाड़े शरणा के महा शीश धरे, मेरे बाप का कत्ल करण आड़े, पीट पीट के छाती के थी वंश में तो भेड़ियो ताड़े, किसके आगे दर्द बताऊं असरू के बहते नारे, किसके आगे दर्द बताऊं असरू के बहते पक्के बांध लिए पड़े, रन पक्का डेट करूंगा रे, मातरे रुका मार रे यारे, मलिया डेट करूं ए बाप का बदला किसी समय, अरे किसने डेट करूंगा रे, मातरे रुका मार रे यारे, मलिया डेट करूं रे, मातरे रुका मार रे यारे, मलिया डेट करूंगा रे। प्रकाश प्रधान जी गुजरानी से 200 रुपये शोर आशीर्वाद मान सम्मान हौसला अफजाई किया, बार बार धन्यवाद भगवान परशुराम युवा मंडल मीता थल 100 रुपये शोर मान सम्मान हौसला अफजाई किया, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। परशुराम भी निवलेरा मेरा वसन है, जिस तरह मेरा परिवार गहड़ा के मार दिया इतना है दर्द करूंगा। अरे जितना कुटम सता रख्या, जितना कुटम सता रख्या, उतना तने सताऊं चारों शीश करूं पेटी बंद, भूपन भेंट चढ़ाऊं कुंड रसायन हरे खून में 21 बार भराऊं, पिता जमदग्नी मात रेणुका थरा पुत्र नहीं कहाऊं, पुत्र मात रेणुका थरा पुत्र नहीं कहाऊं, आतताई का वंश मिटाऊं, मैं 21 हेट करूंगा रे, बाप का बदला चार शीश में किसने भेंट करूंगा रे, मातरे लुका मार रे यारे, बढ़िया भेंट करूंगा। आशीर्वाद या बार बार प्रणाम। इवनो देखियो बोले अकल बड़ी या भैंस, एक तो गण के ताण की कर काटता हो हंगाए हंगाओ, बुद्धि दो रहे ना हो एक बुद्धि से काटता हो। परशुराम ने कहा हेरा थारे सैनिक तो सही से, मेरा एक एक सैनिक बढ़िया दिखा है, क्योंकि सब ऋषियों के आश्रम से आए थे, सारे विद्वान हैं, ऐसी फौज तैयार करूंगा तुम भी याद रखोगे। क्या लिखा है, वे नीचे धरती, नीचे धरती ऊपर अंबर, नीचे धरती ऊपर अंबर, सुनिए
सुनियो यो ऐलान मेरा करया वचन जनहीन भाव नरक बीच अस्थान मेरा राजा गल्या पाला बंगरा खुद साथी भगवान मेरा बल बुद्धि और वीर बहादुर एक एक सैनिक विदम मेरा बल बुद्धि और वीर बहादुर एक एक प्यार जवान मेरा प्यार जवान मेरा कति अप टू डेट करूंगा करनिया ए पाप करनिया पापी हो से पापी हो से लेखो बीच बखानी पाप को सहना पाप बताया वशिष्ठ गुरु की वाणी पासुरिया तू रहा बावड़ा दुनिया होगी शानी बहुत अधूरे मिले जगत मैं कहूं कितनी राम कहानी विकास कहे ना मांगे पानी ऐसा आखे करूंगा बखानी पाप को सेना पाप बताया वशिष्ठ गुरु की बाणी पास हो रिया तू रहा बावला दुनियाएं होगी शानी बहुत अधूरे मिले जगत में कहूं कितनी राम कहानी विकास कहना मांग पानी ऐसा खेट करूंगा हर मात रेणु का मारन वाले थरा मलिया मेट करूंगा ऐलान हो गया राजा से अगर मारिए थारी रही और युद्ध का दिन निश्चित हो गया सजनों इस तरफ से तो 21 राजा थे उनकी 21 टुकड़ी आ गई और परली तरफ से मैदान में कोई नहीं आया एर 21 टुकड़ी राजाओं की एर 21 टुकड़ी राजाओं की युद्ध भूमि में आके डट गई अरे 21 टुकड़ी राजाओं की युद्ध भूमि में आके डट गई 21 टुकड़ी राजाओं की युद्ध भूमि में आके डट गई 21 टुकड़ी राजाओं की युद्ध भूमि में आके डट गई 21 टुकड़ी राजाओं की आज सिद्ध कारज नहीं करियात न चिंदा लकड़े किसी तरह दे चिंदा लकड़े किसी तरह दे संसरा बाबू कैसे 21 के 21 राजाओं को निवला भाई टुकड़ी से हिसाब दला लो आज चिंदा लकड़ना नहीं चाहिए न चिंदा लकड़े किसी तरह दे ओए परशुराम नहीं मरया ते परशुराम नहीं मरया ते ओए परशुराम नहीं मरया ते छतरापण की नाक कट गई इक्कीस टुकड़ी राजाओं की और भूमि में आके डट गई इक्कीस टुकड़ी राजाओं और भूमि में आके डट गई इक्कीस टुकड़ी राजाओं
तिथि आज का रोज दिखता ना दुश्मन का खोज किस टुकड़ी लगा दी फिर संसराबा हुआ को राजा हंसण लागे नि बोले आ तो गए लड़ोगे किस गए ले परले पाले का तो लड़निया तो कोई सहे कोन्या फिर संसराबा हुआ शा नि बोले रे हम पा मारन थे बालक थे या फौज देख के और उनके हौसले पस्त हो गए दिखता ना दुश्मन का खोज अरे देख के न मारी फौज ऋषि पुत्रों की हिम्मत घट गई राजा परशुराम एक लाए आवे घोड़े पे और दूर तय फरसा घुमावे और सेंसरा बाबू ने कहा पकड़ो और यार एक टुकड़ी एक राजा अपनी टुकड़ी लेकर उन्हें पकड़न चलिया जा छतम युद्ध लड़िया उन्होंने न्यू कहा टक टुकड़ी आकर लकड़े परशुराम के सैन्य की तो पेटा मचड़ ढेर की तो पहाड़ा मचड़ ढेर दूर से मर उनको सब क्यों लुटाता था और परशुराम घूम के फिर आ जा फिर फरसा घुमा दे एक राजा अपनी टुकड़ी लेकर पकड़न फिर बाजा उन नन्यू ने छोड़िया हुए उन नन्यू ने छोड़िया हुए उन नन्यू ने छोड़िया हुए साथ ना एक बार गवे पाया आके फरसा दूरी घुमाया आके फरसा दूर घुमाया और परशुराम एक लाए आया परशुराम एक लाए आया ओए परशुराम एक लाए आया परशुराम एक लाए आया ओए पकड़ो पकड़ो दिल की पटकी टुकड़ी राजा शंख बजी रणभेरी विकास कह गुण बुद्धि बल तेरी जगन्नाथ रागनी तेरी जगन्नाथ रागनी तेरी या सब दुनिया मनियारी रचके टुकड़ी राजा हो और रघुभूमि माया के डटकी अरे किस टुकड़ी राजा हो और रघुभूमि माया के डटकी अरे किस टुकड़ी राजा हो बोल भगवान परशुराम की राजाओं की रणभूमि मां गदटगी के बाजा शंख बजी रण भेरी विकास कहे बल बुद्धि गुण देरी फिर जगन्नाथ रागनी तेरी सब दुनिया में न्यारी छंटगी 21 टुकड़ी राजाओं की युद्ध भूमि मां गदटगी उन नवड़ो छोड़िया उन नवड़ो छोड़िया उन नवड़ो छोड़िया उन सब का कत्ले आम करा दिया संसरा बाबू रहा आखिरी में उस दौरे परशुराम आया है और सारा सब का कत्ल करके जो शपथ करी थी कि कुंड रसायन कुंड को मैं खून से भरूंगा ठाटा कुंड रसायन भर के खून का और पितरों का तर्पण कर देता है क्या कहानी कुंड भर कर रक्त से पितर तारे पानी कर सोनी तरह जिसको सोनी कहते हैं कुंड भरकर रक्त से फिर पितर तर्पण कर दिया
पहली कली में आह्वान करता है। कुछ सामारे पाने करे दिया करे पीतर करे पाने करे दिया भरे करम को चाहा नहीं खुद अंतस को मैं ला किया और करम करे पाने करे दिया करे रात से पीतर करे पाने करे दिया भरे करे रात से पीतर करे पाने करे करे दिया करे
ऋषि राजा थे वे जिनका वंश खत्म कर दिया, वंश मिटा दिया, कुंड रसायन उनके खून से भरकर पितरों का तर्पण कर दिया। बोल भगवान परशुराम की जय हो।